एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 45 घंटे का ध्यान कर रहे थे और दूसरी ओर आखिरी दौर की वोटिंग के साथ बीजेपी के लिए दक्षिण भारत से कमाल की खबर देश भर की टीवी स्क्रीन पर छाने जा रही थी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन पांचों राज्यों में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दक्षिण की 131 सीटों पर एनडीए को 51 से 54 सीट मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 64 से 67 सीट मिल रही हैं, जबकि अन्य दलों को 14 से 17 सीट मिल रही हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा करिश्मा तमिलनाडु और केरल में होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तमिलनाडु में इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुलने जा रहा है। आपसे अगर मैं बताऊं, इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु, पुडुचेरी 40 सीटें मिला लीजिए, 36 से 39 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 रैलियां की। चुनाव से पहले उन्होंने कई दौरे भी किए और इसका रिजल्ट 4 जून को तमिलनाडु के फैसले में नजर आ सकता है। यही न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट में देखा जा रहा है। तमिलनाडु के बाद देखिए केरल से भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। केरल में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 रैलियां की हैं। वहां पर ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के लिए आएगी, लेकिन 1 से 3 अगर एनडीए को जा रही है केरल में, तो ये बड़ी बात है। 1 से 1 सीट यानी कि मिनिमम एग्जिट पोल दे ही रहा है। वो जो बात आप कह रहे थे कि मान लीजिए ऊपर की तरफ उत्तरी भारत में आप जहां जहां नुकसान पा रहे हैं वहां भरपाई जो है 1-2 सीटों में ही सही, आप यहां साउथ की तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, तो ये भरपाई कहिए या खाता खोलना कहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है बीजेपी, लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है तमिलनाडु में, केरल में। और अगर खाता खुलता है, अब ये केरल में अगर 1 से 3 सीटें आती हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, ये वाली सीटें जहां पर उम्मीद थी इनको, अगर वो सीटें आती हैं तो ये बड़ी बात हो जाएगी बीजेपी के लिए। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है और ये बीजेपी के लिए वाकई चमत्कार वाली बात है। ये इसलिए क्योंकि इन दोनों राज्यों की राजनीति में बीजेपी लंबे संघर्ष के बावजूद जगह बनाने में कामयाब रही, लेकिन वोटों को सीट में तब्दील करने में नाकाम रही है। पूरे भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री ने पिछले 5 महीनों में कम से कम 181 रैलियां की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु का लगातार दौरा किया। इन 181 रैलियों में वो प्रधानमंत्री के रोड शो, बाकी इवेंट्स और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए किए गए दौरे शामिल नहीं है। अगर इनको भी शामिल कर दिया जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी ने दक्षिण के चुनाव प्रचार में कितनी मेहनत की है। खासकर केरल और तमिलनाडु में बीजेपी ने बहुत आक्रामक प्रचार किया है। इसका रिजल्ट न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल में साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखिए तेलंगाना में बीजेपी किस तरह बड़ी कामयाबी हासिल करती नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर, 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है, 7 में से 5 से 7, और इंडी गठबंधन जो है वो 1 या 2 सीट जीत सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड एग्जिट पोल का ये नतीजों में कन्वर्ट होता है तो दिल्ली में रिपीट होने जा रहा है लगभग वही सात सीट, 5 से 7 सीटों का रिपीट होने जा रहे हैं। डिस्पाइट द अलायंस आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करा आम आदमी पार्टी ने, एक बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करा। जिनको गालियां देते थे, जिनको कहते थे भ्रष्टाचारी है, उनके साथ मिलकर चले गए। कांग्रेस ने अपना आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया। पंजाब में कांग्रेस को इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, इस ये एग्जिट पोल बताएगा। तेलंगाना में इस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने 8 रैली की थी और जाहिर है कि उसका असर सामने है। अब बारी कर्नाटक की, जहां विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीद थी, लेकिन न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की जोड़ी के बावजूद कांग्रेस बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। पिछली मरतबा बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई थी, तो 23 से 26 के बीच में यहां पर कर्नाटका में बीजेपी को वोट हासिल सीटें मिल रही है। 51.74 लगभग 52% वोट कर्नाटका में बीजेपी को किशोर मिला था और 28 में से इस बार भी अच्छी खासी यहां पर झोली और दामन भरती हुई जनता बीजेपी का नजर आ रही है। कर्नाटक में इस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने 10 रैली और रोड शो किए और यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण के बाकी राज्यों की तरह कर्नाटक में भी मजबूत स्थिति में है। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से भी है, जहां बीजेपी और टीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। मैजिक आंकड़ा आपको दिख रहा है, 231 से 243 भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, इंडिया 94 से 106 पीछे रह रहा है काफी।
अन्य के खाते में 17 से 24 का नंबर जा रहा है और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन फिर आते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना कितनी टेढ़ी खीर है, वो इसलिए टेढ़ी खीर है कि इस देश के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को भी जब वो वाराणसी एक साल तक नहीं गए थे तो वहां के विधायकों ने पूछ लिया था कि आप एक साल तक क्यों नहीं आए। तो लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है और जनता ही भगवान है। लेकिन विपक्ष की एक बात जो कि इस चुनाव में जरूर बात होगी 4 जून को, और वो होगी कि विपक्ष मोदी से चुनाव लड़ रहा था या विपक्ष मीडिया से चुनाव लड़ रहा था, विपक्ष चुनाव किसके साथ लड़ रहा था, वो महत्वपूर्ण है। अमन चोपड़ा मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं नए डेटा के साथ। अमन चोपड़ा के पास कई सारे नए आंकड़े हैं। अमन, बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब जाती तो नजर आ रही है, लेकिन लड़ाई किस चीज की है, लड़ाई 400 पार की है भाई साहब, लड़ाई 400 की है। जो टारगेट सेट किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए, लेकिन इस वक्त जो आंकड़ा है वो 272 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण को लेकर बीजेपी ने शुरू से बड़े दावे किए थे। बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन किया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया और तमिलनाडु में भी गठबंधन के नए साथी जोड़े। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे थे, वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। अब न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल में इसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है। न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल और उसके रिजल्ट का आधार क्या रहा, इस बारे में एक बार फिर जान लीजिए। करीब करीब 370 क्रॉस होती दिख रही है दिल्ली में। मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी का एक अननेचुरल अलायंस हुआ था उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ एक भी सीट वो जीतने नहीं जा रही, ठीक है 0-2 आप दे रहे हैं आपके इसमें है, लेकिन वो 0 भी है। अब आइए उत्तराखंड और हिमाचल में स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इस चीज को समझिए, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि इनका जो पूरा का पूरा चुनाव प्लैंक था कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का वो झूठ पर था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कहते थे आई लव यू, पंजाब पहुंचती कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी को आई हेट यू, यही हालत था बंगाल में, यही हालत था केरल में, और जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी इतनी बार बदली गई है। अभी 150 सीटों का एग्जिट पोल आना बाकी है, इसको समझिए, ये 396 आया है, 543 कुल हैं, अभी भी लगभग 150 सीटों का एग्जिट पोल आना बाकी है और उससे पहले ही 270 भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से मैजिकल फिगर्स। दक्षिण भारत में पहले चरणों में ही वोटिंग हो गई थी, इसीलिए यहां के आंकड़ों को समझने और उसको हर पैमाने पर परखने का वक्त भी ज्यादा मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि दक्षिण के फैसले में सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। चुनाव की शुरुआत से लेकर चुनाव के अंत तक पीएम नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत पर फोकस रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को केरल के थेक्किनकाडू से जो चुनावी बिगुल बजाया वो 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में जाकर थमा, लेकिन अंतिम वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौन साधना कर रहे थे, यानी आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान भी दक्षिण भारत में मौजूद रहे। न्यूज 18 पोल हब के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी और जिसका दावा भी बीजेपी इस चुनाव के दौरान कर रही है।